हेलो फ्रेंड, मैथ मार्शल ऑफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं हमारे घरों में जो मोटर लगा होता है एसी मोटर पानी ऊपर टंकी पे चढ़ाने के लिए, तो क्या इस मोटर को हम सोलर पैनल से चला सकते हैं? अगर चला सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे बहुत लंबे टाइम से, तो इस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने का सोचे हैं और इस टॉपिक पे जितने भी डाउट हैं सारा क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो में। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जान लेंगे हमारे घरों में जो मोटर लगा होता है वो मोटर होता है एसी मोटर, जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट वाला मोटर बोल सकते हैं। मोटर दो तरह का आता है, एक डीसी एक एसी, लेकिन जनरली 99% लोगों के घरों में जो मोटर लगा होता है वो एसी मोटर ही लगा होता है। अब वो चाहे हाफ एचपी का, 1 एचपी का या फिर 2 एचपी का मैक्सिमम लगा होता है पानी ऊपर चढ़ाने के लिए। तो इस मोटर को हम पहले तो ये जान लो कि आप सोलर पैनल से हम इसे चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। चलाने के लिए हमें दो तरीका है और वो दोनों तरीका हम बात करने वाले हैं एक एक करके कि किस किस तरीके से हम चला सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि हम जो नॉर्मली एक अलग से VFD विथ इन्वर्टर लगा लें। VFD विथ इन्वर्टर इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सोलर पैनल है वो क्या करेगा, हमें DC करंट देगा और हमारे पास जो मोटर है वो कौन सा करंट से चलने वाला, AC करंट से। तो DC को AC चला नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे इन्वर्ट करना पड़ेगा DC करंट को AC करंट के लिए। तो इसमें क्या होगा, हमें इन्वर्टर का ज़रूरत पड़ेगा और साथ में एक VFD भी, जो कि मैंने बोला आपको VFD विथ इन्वर्टर। तो VFD क्या काम करेगा, हमारे जो देख तो सोलर पैनल छत पे लगे होते हैं तो वो एक समान एनर्जी जनरेट नहीं करता, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम, मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है। और फ्लक्चुएट होने का रीज़न होता है सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट एक समान नहीं आता क्योंकि कभी बादल आ गया, कभी हल्का बादल, ज़्यादा बादल, कभी बहुत ज़्यादा बादल, कभी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अलग अलग तरह का हीटेड जो रोशनी जो है वो सनलाइट जो है जो फोटोन रेज सोलर पैनल पर पड़ता है, इस वजह से वोल्टेज और करंट का भी फ्लक्चुएशन होता है। और इस फ्लक्चुएशन की वजह से अगर हम डायरेक्ट मोटर को चलाएंगे, मोटर तो चलेगा लेकिन जल्दी ख़राब होने का चांसेस होता है, इसलिए हमें VFD भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि VFD विथ इन्वर्टर हमें लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इन्वर्ट भी हो जाएगा और एक कंट्रोल में भी रहेगा, फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं होगा और इससे AC मोटर आसानी से चल जाएगा। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी मैंने रनिंग करके दिखाया भी है एक वीडियो में, बहुत पहले मैंने दो बार दिखाया दो अलग अलग वीडियो में कि किस तरह हम बिना बैटरी के सोलर पैनल से डायरेक्टली मोटर चला सकते, वो भी AC मोटर VFD वाला इन्वर्टर के साथ। उस वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला ये तरीका था VFD विथ इन्वर्टर के साथ हम जो है AC मोटर चला सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम हमारे घरों में जो इन्वर्टर और बैटरी पहले से लगा होता है उस पर हम क्या कर सकते हैं, हम सोलर पैनल उस पर लगा सकते हैं। अब उस पर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारे पास नॉर्मल इन्वर्टर है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक रोट्रोफिट लगाना पड़ेगा। रोट्रोफिट के जरिए क्या होगा, हम सोलर पैनल को कनेक्शन करेंगे और उसके जरिए क्या होगा, इन्वर्टर कनेक्शन होगा और इन्वर्टर के बाद बैटरी में वो चार्ज हो जाएगा। तो मतलब बैटरी चार्ज हो गया और इन्वर्टर से हम डायरेक्टली मोटर चला सकते हैं। और मोटर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो ये देखना होगा कि मोटर कितने HP का, दोनों का एक सही बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद ही हम उस पर चला सकते हैं। और चलाने के लिए आपको घर का लोड पहले बंद कर लो, क्योंकि मोटर जो है पूरे दिन भर के लिए चलता तो है नहीं, तो आप घर का लोड पहले बंद कर लो मोटर चला के, फिर आप मोटर जब बंद कर दोगे फिर आप घर का लोड आप चला सकते हो। तो इस तरह से आप दो तरीके से AC मोटर सोलर पैनल के जरिए आप चला सकते हो और दोनों तरीका बहुत आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस पर मैंने स्पेशली दोनों पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। और रही बात, मैंने बोला ना VFD वाला, तो VFD वाला भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपका जो रोट्रोफिट वाला है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। दो तरीके से हम अल्टरनेटिंग करंट वाला मोटर जो है वो आसानी से चला सकते हैं सोलर पैनल के जरिए। अगर हमारे पास DC मोटर होता तो DC मोटर चलाने के लिए ज़्यादा कुछ खास हमें करना नहीं पड़ता, बस हमें एक कंट्रोलर लगाना पड़ता। कंट्रोलर क्या करता कि जो सोलर पैनल से एनर्जी आ रहा है उसे कंट्रोल करता, जिस तरह VFD करता है उसी तरह कंट्रोलर करता है, कंट्रोल में रखता हमारे फ्लक्चुएशन को, एक तरह से कंट्रोल रखेगा। तो क्या होगा, हमारा मोटर जो है DC वाला वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप सोलर मोटर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर आप घर में AC मोटर लगाए हो और आप चेंज करना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि DC मोटर लगा लो और इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली सोलर पैनल से, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, आप एक कंट्रोल लगा के चला सकते हो, क्योंकि कंट्रोलर थोड़ा सस्ता पड़ता है और VFD विथ इन्वर्टर जो होता है ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए आप सस्ते में आपका
हो जाएगा अगर आप डीसी मोटर परचेस करते हो। तो रही बात कॉस्ट की, एसी मोटर और डीसी मोटर कौन कॉस्टली है, तो किसका कॉस्ट क्या है, इस पर मैंने भी स्पेशली वीडियो अपलोड कर रखा है। सबका प्राइस लिस्ट मैंने अपलोड कर रखा है, आप देखना आपको समझ में आ जाएगा कितने एचपी का कितना प्राइस पड़ता है। तो आई थिंक आज के वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम एसी मोटर को सोलर पैनल से चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, और चलाने के लिए दो तरीका, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है आपके पास जिस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ देन वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।